क्या कॉमर्स बुरा था? फिर क्यों कॉमर्स करते करते बीच में मैंने ऑडियो इंजीनियरिंग करने का सोचा? टेंथ की बोर्ड एग्जामिनेशंस कंप्लीट करने के बाद मैंने कॉमर्स चूज किया। कॉमर्स करते करते मुझे लगा कि मैं अपने म्यूजिक को भी टाइम दे पाऊंगा। मैं कॉमर्स की पढ़ाई करते वक्त बहुत सारा म्यूजिक सुनता था, म्यूज़िक ऑनलाइन देखता था, बहुत सारे रॉक स्टार्स की वीडियोस देखता था, उनको देखकर बहुत गिटार भी प्ले करता था। मैं उनके बारे में, उनके इंटरव्यूज़ में ये समझता था कि उनके क्या फेलियर्स थे लाइफ में, क्या स्ट्रगल्स उन्होंने फेस किया या उनकी प्रैक्टिस रूटीन्स कैसे होते हैं, और इन सारी चीज़ों से मैं काफ़ी इंस्पायर होता था। और उस दौरान मैंने मेरे फ्रेंड श्रवण के साथ मिलकर एक बैंड बनाया। इस बैंड का नाम था नरकासुर और ये एक मेटल बैंड था। आप सोचेंगे नरकासुर नाम क्या होता है? वेल, हमें एक इंडियन ओरिजिनेटेड वर्ड चाहिए था जो हमारे बैंड को रिप्रेजेंट कर सके। और अगर आप इस वर्ड को डाइसेक्ट करेंगे, इसका फर्स्ट हाफ है नर, विच मीन्स अ मैन, एंड कासुर, विच मीन्स द म्यूजिक। सो बेसिकली नर कासुर। एंड आपको और एक बात बताऊँ, ये नरकासुर जो वर्ड है ये एक राक्षस का भी नाम होता है। आप सोचेंगे राक्षस का नाम क्यों? क्योंकि ये मेटल म्यूजिक एक जॉनर ही ऐसा होता है जहाँ पर हर चीज़ बहुत लाउड होती है, बहुत एनर्जेटिक, बहुत पावरफुल होता है, वेरी हार्ड हिटिंग ऑन योर फेस काइंड ऑफ अ म्यूजिक। सो वी नीड समथिंग विच इज़ वेरी एनर्जेटिक साउंडिंग एंड विच इज़ वेरी ब्रूटल। सो मेटल म्यूजिक एक ऐसा जॉनर है जो काफ़ी कॉम्प्लेक्स काइंड ऑफ अ म्यूजिक है, जिसमें काफ़ी लाउड ड्रम्स होते हैं, काफ़ी कॉम्प्लेक्स रिदम सेक्शंस होते हैं गिटार पर, बहुत सारे डिस्टॉर्शन होता है, यू नो ऑल दोज रॉक स्टार्स आप जब देखते हैं स्टेज पर जो काफ़ी हेड बैंग करते हैं, बहुत सारी चीज़ें ये इस जॉनर में होता है। स्पेशली ये जॉनर उसी के लिए नोन है। फिर हमने बैटल ऑफ बैंड्स में पार्टिसिपेट करना शुरू किया। बैटल ऑफ बैंड्स क्या होता है? बैटल ऑफ बैंड्स एक ऐसा बैटल होता है जहाँ पर सिटी से काफ़ी सारे बैंड्स आते हैं, इवन कभी कभी सारे ऑल ओवर इंडिया से भी बहुत सारे बैंड्स आते हैं बैटल करने के लिए एक दूसरे के साथ। होता ये है कि स्टेज पर हमें 10 to 15 मिनट्स का टाइम स्लॉट दिया जाता है। उस 10 to 15 मिनट्स में हमें स्टेज पर आना है, तुरंत सेटअप करना है, एंड देन हमारा म्यूजिक प्ले करना है इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस, एंड इट इज़ ऑल लाइव। And we have to play our own music. We can also play cover music. But हम हमारा खुद का ही music play करते थे। And इसको लेके हमारा काफ़ी professional approach रहता था, हमारे outfit को लेकर भी। जैसे हम सारे band members black t-shirt पहनते थे, camouflage pants पहनते थे और black boots ही पहनते थे। इससे हम एक ये theme बताते थे कि we are serious about our theme and our band and we look little aggressive and also synchronized. अगर आप video में अभी आप देख रहे हो, जैसे हम हेडबैंग भी करते थे। आप सोचेंगे हेडबैंग ये क्या होता है, कैसे करते हो? हेडबैंग बहुत ही डिफ़िकल्ट चीज़ होती है। आप अगर सोचिए, आप गिटार प्ले कर रहे हो या आप ड्रम प्ले कर रहे हो, तो आपको हेडबैंग भी करना है, जिससे ऐसे मूवमेंट जो होती है, और उसके साथ आपको आपके नोट्स भी प्ले करने हैं जो आप मिस नहीं कर सकते हो। आपको टाइम पर भी प्ले करना है, आप आगे पीछे भी नहीं हो सकते हो, एंड प्लस आपको प्रेजेंटेबल भी रहना है, आपको ऑडियंस के साथ एंगेज भी करना है। ये सारी चीज़ बैंड्स अप्रोच करते थे एक कंपटीशन में जीतने के लिए। और ये बैटल काफ़ी एक जंग जैसा होता था, क्योंकि इसमें जजेस होते थे, काफ़ी एस्टीम्ड म्यूजिशियंस होते थे, एंड द फाइनल द ऑडियंस वाज देयर। और आप अगर सोचो कि ये ऑडियंस काफ़ी रफ भी हो सकती है आपके साथ। और एक तो हम इस बैटल में जाते थे, हम इकलौते ऐसे बैंड होते थे जो मेटल म्यूजिक प्ले करता था, और बाकी सारे बैंड जो भी होते थे वो सिर्फ बॉलीवुड म्यूजिक प्ले करते थे, जिसमें कोई बुराई नहीं है, बट हम काफ़ी उसमें यूनिक थे एंड ऑल्सो काफ़ी अननोन थे इस जॉनर को लेकर। और ये भी डर था कि यार हम मेटल म्यूजिक सबके सामने परफॉर्म करेंगे, कितने लोगों ने सुना भी नहीं होगा, तो वो आपके फेस पर भी गाली दे सकते हैं, आपको बू कर सकते हैं, जैसे इंटरनेट पर ट्रोल किया जाता है, वो आपके फेस पर जब आप स्टेज पर हो आपको गाली भी दे सकते हैं। बट दैट यूज टू बी द फन। आई मीन हम लोग उस चीज़ को ध्यान में रखते थे, बट इतने उससे वरी भी नहीं होते थे, हम हमारे म्यूजिक पर काफ़ी कॉन्फिडेंट थे। और आपको एक चीज़ बताऊँगा कि हम सरप्राइजिंगली उस कॉम्पिटिशन में हम जीते थे, और वो काफ़ी शॉकिंग चीज़ थी, क्योंकि सारे जो हम कम्पीट कर रहे थे बैंड के साथ वो सारे बॉलीवुड म्यूज़िक थे, एंड जो ऑडियंस थी उन्होंने कभी ऐसा मेटल म्यूज़िक सुना भी नहीं था।
बट बिकॉज आवर म्यूजिक वॉज सो हैवी सो एंगेजिंग, वो जो सिनर्जी होता था, वो जो एटमोसफियर में आग लग जाती थी, जैसे यू नो रेव रिस्पॉन्स, शायद उसी वजह से हम जीते थे। और एक फन फैक्ट बताऊंगा आपको कि उसके बाद हमने लगातार 8 बैटल ऑफ बैंड्स जीते थे इन अ रो। तो हम जिस भी बैटल ऑफ बैंड कॉम्पिटिशन पर जाते थे, हम उस पर नंबर वन आते थे, और वो काफ़ी एक अच्छा एक्सपीरियंस था, एंड इट वॉज द बेस्ट टाइम ऑफ माई लाइफ। और ये सब चीज़ें करते करते, स्टेज पर परफॉर्म करके, ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट करके, काफ़ी सारा म्यूजिक सुनकर, मैं म्यूजिक की तरफ खींचता ही चला गया। आप ये कह सकते हैं कि म्यूजिक और मैं एक हो गए। मतलब आज बात यह है कि अगर आपने मुझे आज कट भी कर दिया ना, हाँ अगर आपने मुझे आज कट भी कर दिया, तो मेरे अंदर से खून नहीं निकलेगा, सिर्फ म्यूजिक ही निकलेगा। Now let's come to the point. मैंने क्यों कॉमर्स को छोड़ा? मैं 12th ग्रेड कर रहा था, एंड वो समय था प्रीलिम्स एग्जाम्स के, तो कुछ दिसंबर का मंथ था वो फर्स्ट वीक, एंड मैं कुछ पढ़ाई कर रहा था, कुछ लेजर वर्क और कुछ वो बैलेंस शीट को लेकर जो कॉमर्स में होता है, एंड मैं काफ़ी परेशान रहता था, मुझे उसमें कुछ एन्जॉयमेंट नहीं रहती थी, मुझे इवन मैं उसको कर लेता था ठीक ठाक से, मुझे उसमें कुछ मज़ा नहीं आता था। तो मैंने मम्मी को मैंने जाकर बोला कि मॉम आई एम नॉट लाइकिंग दिस एंड मुझे ये नहीं करना है। तो मॉम शॉक हुई, मॉम ने बोला अच्छा तो तुझे ये नहीं करना है, तुझे कॉमर्स नहीं करना है, तो तुझे क्या करना है? मैंने उस टाइम पर मम्मी को बताया कि मुझे कॉमर्स में मन नहीं लगता, बट मुझे म्यूज़िक की पढ़ाई करनी है, ऑडियो की पढ़ाई करनी है। तो मम्मी ने बोला अच्छा ठीक है, इट साउंड्स गुड, बट एक बार डैड से बात कर लेना। देन आई वेंट टू माई डैड उस इवनिंग में, और मैंने डैड को ये सेम चीज़ बताई कि मुझे ये पढ़ाई छोड़नी है। तो मेरे डैड ने मुझे पूछा सो व्हाट डू यू वांट टू डू, उन्होंने बोला कि तुझे क्या करना है फिर। तो मैंने मेरा रिसर्च करके रखा था, एंड मैंने उनको बताया कि मुझे एक स्टूडियो सेटअप करना है जहाँ पर सारे इंस्ट्रूमेंट्स हो जो मैं प्ले करता हूँ, और मैं मेरी खुद की म्यूज़िक रिकॉर्ड कर सकूँ और सारे इंस्ट्रूमेंट्स प्ले कर पाऊँ। फिर मेरे डैड ने मुझे पूछा कि तुझे ये सब कौन सिखाएगा। मैंने तुरंत मेरा फ़ोन निकाला और उनको ऑडियो इंजीनियरिंग के बारे में बताया। ऑडियो इंजीनियरिंग एक ऐसी स्टडी होती है जहाँ पर आपको कंप्लीट म्यूजिक स्टूडियो के बारे में सिखाया जाता है, राइट फ्रॉम दी रिकॉर्डिंग प्रोसेस टू एडिटिंग इट टू मिक्सिंग इट एंड देन मास्टरिंग इट, एंड ऑल्सो आपको लाइव साउंड सेटअप के बारे में भी सिखाया जाता है, और आपको म्यूज़िक के बारे में एक ऐसे इंसाइट्स दिए जाते हैं जो आपने पहले कभी सोचे भी ना हो। आपको म्यूज़िक की हिस्ट्री के बारे में सिखाया जाता है, म्यूज़िक कैसे ओरिजिनेट हुआ, आपको ये सारी चीज़ें ऑडियो इंजीनियरिंग में कवर किया जाता है। एंड ये चीज़ से मैं काफ़ी एक्साइटेड था और मुझे ये चीज़ सीखनी थी। एंड देन यू नो व्हाट ही सेड डू इट। आई वॉज शॉक्ड, उन्होंने जस्ट मुझे कहा कि जस्ट डू इट, एंड आई वॉज वेरी रिलीव्ड एंड शॉक एट द सेम टाइम। द नेक्स्ट डे आई वेंट टू दिस इंस्टीट्यूट SAE विच इज़ स्कूल ऑफ ऑडियो इंजीनियरिंग, एंड आई गॉट माई सेल्फ एनरोल्ड। बिकॉज दे फॉलो कैलेंडर ईयर, ऑडियो इंजीनियरिंग की पढ़ाई जनवरी से स्टार्ट होने वाली थी, और मैं जब वहाँ पर गया था तब दिसंबर का महीना था, एंड आई वॉज लकी एंड इट जस्ट क्लिक्ड। लेट मी शो यू द सर्टिफिकेट। टडा, सो आई एम वेरी हैप्पी टू शो यू दिस सर्टिफिकेट टू यू, एंड आई एम वेरी प्राउड अबाउट इट दैट आई डिड दिस। और इसी ऑडियो इंजीनियरिंग की पढ़ाई को मैंने मेरे फुल फ्लेज स्टूडियो पे इम्प्लीमेंट किया, जो कि मेरा बेडरूम भी है। एक्चुअली ये मेरा बेडरूम कम और स्टूडियो ही ज़्यादा है। इस स्टूडियो को मैंने ऐसे प्लान किया है जहाँ पर मैं रिकॉर्डिंग से लेकर, वीडियो शूटिंग से लेकर, उसको एडिट करने से लेकर उसको इंटरनेट पर डाल सकता हूँ। ये सारी चीज़ें ये एक ही जगह पर मैं कर सकता हूँ मेरे स्टूडियो में। और हाँ, आप जो मेरे वीडियोज़ देखते आ रहे हो, ये सारे वीडियोज़ मैं इसी जगह पर, इसी स्टूडियो में इसको शूट करता हूँ, इसको रिकॉर्ड करता हूँ और एडिट करता हूँ और उसको इंटरनेट पर डालता हूँ। और मेरे पास काफ़ी सारे इक्विपमेंट्स एंड गैजेट्स हैं जो मुझे इन चीज़ों को हेल्प करते हैं क्रिएट करने में, जैसे गिटार प्रोसेसर्स, लूप स्टेशन डिवाइस, देर आर गिटार सिंथेसाइजर्स, देर इज़ अ कीबोर्ड, देर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ गिटार एज यू कैन सी हैंगिंग ऑन द वॉल, एंड देर इज़ ऑफकोर्स माई फेवरेट ग्लास हार्प, देर इज़ ऑल्सो ड्रम्स, देर इज़ क्यू हार्न, देर इज़ जैम्बे, एंड देर इज़ हारमोनियम ऑल्सो। बिकॉज मैं आपको एक चीज़ बताना भूल ही गया,
कि मैं क्लासिकल सिंगिंग की पढ़ाई भी कर रहा हूँ और मैंने अभी तक 4 ईयर्स कंप्लीट कर दिए है और ये स्टडी 6 ईयर्स की होती है. आफ्टर 6 ईयर्स यू बिकम अ ग्रेजुएट इन म्यूजिक. सो करेंटली आई हैव कंप्लीटेड 4 ईयर्स इन क्लासिकल सिंगिंग एज वेल. सो कुल मिलाकर बात यह है कि मैंने स्टूडियो पर ऑलमोस्ट अराउंड 20 लाख इन्वेस्ट किया है, बट इस चीज़ की वजह से मुझे किसी पर डिपेंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. मैं जब चाहूँ तब मेरा म्यूज़िक प्ले कर सकता हूँ, रिकॉर्ड कर सकता हूँ और उसे एडिट कर सकता हूँ. मुझे कहीं स्टूडियो पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती और आई हैव कम्प्लीट फ्रीडम टू वर्क ऑन माई क्रिएटिव स्पेस और मुझे कोई टाइम रिस्ट्रिक्शंस नहीं है. मैं सुबह काम करता हूँ, मैं दोपहर को काम करता हूँ, मैं रात को भी लेट नाइट भी काम करता हूँ. तो मेरा स्केड्यूल 24/7 भी हो सकता है. एंड यू नो समथिंग, आई डोंट हैव अ बॉस, सो आई एम माई ओन बॉस एट माई वर्क. एंड मैं आपको एक फन फैक्ट बताता हूँ, मेरे रूम में एक बहुत बड़ा किंग साइज बेड था, उसको बनाने में काफ़ी खर्चा भी हुआ था, बट यू नो वॉट, मैंने उसे भी निकाल दिया. मैंने मेरे पेरेंट्स को बताया कि मुझे मेरे इक्विपमेंट्स रखने को स्पेस नहीं मिल रहा, तो मैंने वो बेड निकाल दिया और मैंने एक छोटा सा फोल्डिंग बेड डाल दिया. हाँ, इट्स नॉट कम्फर्टेबल, बट फॉर मी स्लीपिंग इज नॉट अ प्रायोरिटी. आई नीड टू फोकस मोर ऑन म्यूजिक एंड प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट्स. सो दैट वॉज माई आइडिया बिहाइंड इट. सो दैट्स अबाउट माई स्टूडियो. और इस दौरान मैं एज अ गिटारिस्ट काफ़ी बैंड्स के साथ ट्रैवल करता था, शोज पर जाता था, मैं उनके साथ स्टेज पर गिटार प्ले करता था. एंड इट वॉज वेरी एक्साइटिंग टू यू नो ट्रैवल, मीट न्यू पीपल, मीट न्यू आर्टिस्ट एंड बी ऑन स्टेज. बट देन आई रियलाइज दैट आई वॉन्ट टू डू समथिंग यूनिक. और इंटरनेट पर मैंने एक फॉरेन आर्टिस्ट को देखा जो ग्लास हार्प प्ले कर रहे थे एंड आई वॉज वेरी क्यूरियस टू नो कि वॉट इज दिस, वाइन ग्लासेस से आवाज़ कैसे आ सकती है, एक गाना कैसे बज सकता है वाइन ग्लास से. मैं बहुत ही क्यूरियस था और मुझे इसे सीखना ही था. तो मैंने इंटरनेट पर सर्च किया और लोगों को भी पूछा इसके बारे में और फिर मैंने ये जाना कि इंडिया में, हमारे देश में इसे कोई प्ले नहीं करता है. बिकॉज ये इंस्ट्रूमेंट ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो आप एक म्यूजिक शॉप पर जाके खरीद सकते हो. ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसे आपको खुद को बनाना पड़ता है. एंड दिस वॉज बैक इन 2015 की बात है ये. तो मैं उस दौरान बहुत सारे शॉप्स में गया जहाँ पर वाइन ग्लासेस बिकते हैं और मैंने एक्सपेरिमेंट करना चालू किया कि यू नो कौन सी ग्लास किस में मैं कैसे यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि इसके बारे में कोई ट्यूटोरियल नहीं था इंटरनेट पर. तो काफ़ी ट्रायल एंड एरर एंड काफ़ी सारे ग्लासेस लाकर उसे वेस्ट कर कुछ एक 2-3 महीनों में मैंने उसको बिल्ड किया और उसको मैंने बहुत प्रैक्टिस किया, उसको समझा, उसको जाना. एंड बिकॉज आई स्टडीड ऑडियो इंजीनियरिंग, वो जो लर्निंग्स थी अबाउट म्यूजिक थियोरी दैट हेल्प मी अलॉट इन टू डेवलपिंग दिस इंस्ट्रूमेंट माई सेल्फ. फिर मैंने ग्लास हार्प परफॉर्म करना शुरू किया. मैंने काफ़ी सारे कॉर्पोरेट शोज में परफॉर्म करना शुरू किया जहाँ पर बड़े बड़े कार ब्रांड्स के कार लॉन्चेस होते हैं, जैसे जैगवार, जीप कार ब्रांड, इनके कार लॉन्चेस पर मैंने परफॉर्म किया. एंड काफ़ी सारे हाई प्रोफाइल वेडिंग्स पर मैंने परफॉर्म किया है एंड वेरी एग्जॉटिक प्लेसेस ऑल ओवर इंडिया. आई हैव वेंट देयर, जैसे ताज फलकनामा, एंड आई हैव परफॉर्म देयर. एंड फिर मुझे काफ़ी सारे लीडिंग रेडियो स्टेशंस ने इनवाइट करना शुरू किया, उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया, जैसे आरजे रोहित वीर. आज एक बहुत खास गेस्ट हमारे स्टूडियोज में आए हैं, बिकॉज इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ. आई मस्ट टेल यू व्हाट द सीन इनसाइड द स्टूडियो इज. हमारे सामने एक टेबल पे बहुत सारे वाइन के ग्लासेस रखे हैं. नहीं नहीं, हम पीने नहीं वाले उसमें, लेकिन पानी भरा है और वो पानी के ग्लास आधे भरे, कुछ पूरे भरे हैं और इन ग्लासेस में से म्यूजिक आता है. एंड समवन जो ये पहले से करते आ रहे हैं, ग्लास हार्प जिसको बोलते हैं, गौरव कोटियन. गौरव, हाउ आर यू? आई एम वेरी गुड, हाउ आर यू? बहुत बहुत अच्छे आरजे अनमोल. ओके, सो तो कुछ किस्से कुछ कहानियां विद मी आरजे अनमोल. द ग्रैंड फिनाले एपिसोड के लिए हमारा स्पेशल सरप्राइज, हियर वी हैव गौरव. हे, हाउ आर यू? वेलकम, वेलकम टू द शो. देखो यार, आज ग्रैंड फिनाले एपिसोड है हमारा, हमें लगा कुछ स्पेशल किया जाए. एंड दैट्स द रीजन वी हैव गौरव हियर विद अस. और आप इतने लोग से सब मेरे को पूछ रहे थे कि यार अनमोल तुमने पीना शुरू कर दिया है, और वो भी इतना भयंकर पीना शुरू कर दिया. मैं उनको बता रहा हूँ अंदर पानी है यार और कुछ नहीं है. और इनफैक्ट ये सिर्फ ये ऐसी नहीं कि हमने वाइन ग्लासेस और पानी रखे हैं. गौरव बताएंगे बेसिकली ये है क्या, इसका नाम क्या है और इससे क्या होता है. फ्रेंड्स, ये जो इंस्ट्रूमेंट आप देख रहे हैं इसे ग्लास हार्प कहते हैं एंड ये सारे वाइन ग्लासेस है. एंड हाँ, इसमें पानी है और कुछ नहीं है. आरजे जी मैन, दीज आर वेरी पॉपुलर आरजेस एंड आई हैव हैड द प्रिविलेज टू वर्क विद देम एंड परफॉर्म माई ग्लास हार्प लाइव ऑन एयर, विच वॉज अ वेरी बिग थिंग फॉर मी.
And you know what? I was so thrilled to know that India's Got Talent had selected me to perform on their stage, which was a very huge thing for me because that was the first time जहाँ पर मैं टेलीविजन पर दिखने वाला था. और उससे भी बड़ी बात ये है कि मुझे दी कपिल शर्मा शो पर 2017 में एक स्पेशल एपिसोड के लिए परफॉर्म करने के लिए इनवाइट किया गया था. एंड दिस एपिसोड वॉज वेरी स्पेशल बिकॉज दिस एपिसोड वॉज सेलिब्रेटिंग 25 years ऑफ सिनेमा ऑफ शाहरुख खान इन बॉलीवुड. एंड आई गॉट टू प्ले वन ऑफ हिज मोस्ट फेवरेट ट्रैक्स विच इज कल हो ना हो. एंड आप वो वीडियो यूट्यूब पर जाके देख सकते हैं, मेरे चैनल पर भी है वो वीडियो. एंड ऑफकोर्स ही वॉज वेरी काइंड इनफ टू गिव मी एन ऑटोग्राफ एंड ऑल्सो हैव अ पिक्चर विथ हिम. और सबसे बड़ी बात, मुझे टेड टॉक्स ने भी इन्वाइट किया ग्लास हाफ परफॉर्म करने के लिए उनकी स्टेज पर. नॉट बिकॉज आई वॉज अ गिटारिस्ट बट बिकॉज आई वॉज इंडियाज ओनली ग्लास हाफिस्ट. एंड आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी डाल दिया है, आप प्लीज उसे देखिएगा. फ्रेंड्स आई वुड लाइक टू से दैट आई हैव जस्ट बिगन, अभी तक तो कुछ किया ही नहीं है और अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है. फ्रेंड्स आई डोंट रिग्रेट नॉट बीइंग अ कॉमर्स ग्रेजुएट बट आई एम वेरी हैप्पी एंड प्राउड फॉर बीइंग कॉल्ड इंडियाज फर्स्ट ग्लास हाफिस्ट. आई डोंट मीन टू से दैट कॉमर्स और साइंस इज गुड और बैड, ऑल वोकेशंस आर गुड प्रोवाइडेड यू हैव द टेस्ट फॉर इट. I was cut out for music and I'm very happy I pursued it. So friends, thank you for taking your time and watching me. Before I sign off, I would like to tell you that we all must find our uniqueness, pursue our uniqueness, and we all should embrace our uniqueness. Thank you so much.